दोस्तों स्वागत। साढ़े नाल ने डॉक्टर जीवन कुमार गुप्ता। अज गल करांगे क्योंकि गर्मी का मौसम है, लू भी पै रही है, तो पशुओं के वास्ते इस मौसम की दिक्कत आ सकदियां ने। सब तो पहला डॉक्टर जीवन गुप्ता जी प्रोग्राम से स्वागत जी। ठीक है, धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, गर्मी ज़्यादा हो गई है, हर इंसान को भी लग रही है, पशुओं को भी लग रही है, वह भी काफ़ी सेंसिटिव होंगे ने, की दिक्कत महसूस करता है इन दिनों च? देखो, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अचानक पिछे असी देखे यदा झाड़ मनुखा से भी, साड़ियाँ फसलों से भी, कणक का झाड़ भी घटे है, पर पशुओं से भी तो बहुत जबरदस्त असर आ रहे हैं। ये नाल की होया, एकदम बरसीम दे नाल पशुओं नूं बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। बरसीम दे विच इस वेले उल्ली रोग की समस्या बड़ी जबरदस्त आई है, और उल्ली रोग करके पशुओं च मोक बहुत ज़्यादा लग रही है। गोहा बिल्कुल पानी वर्गा हो गया जी, और पशु तो दुध बड़ी तेजी ना घट रहे हैं, और पशु बड़ा बेचैन है क्योंकि मक्खी मच्छर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सो ये वास्ते जिहड़ा हैगा, असी सारे पशु पालकों ने यही दिने सलाह भी तुरंत तुसी जिहड़ा तुहाडी नेड़े दी पशु संस्था उहदे नाल तालमेल रखो, अपने आप इहदा इलाज ना करो। ये आम मोक नहीं हैगी, अच्छा, ये उल्ली रोग नाल जिहड़ी समस्या आ रही है, और इहदा इलाज भी बड़ा स्पैसिफिक इलाज है, इहदा बड़ा विशेष इहदा कारण है, तो विशेष ही इहदा इलाज है। किन्ने कु दिनां तक उहदा असर रहिंदा जी? इहदा देखो असर यही है भी जिन्नी देर तक साडे कोले इह चारा हैगा बरसीम दा जी, उन्नी देर तक इह समस्या रहूगी। अच्छा जी, हुण देखो की है भी इहदा हल यही है भी, जां तां पहली गल तां यही है भी असीं हौली हौली बरसीम तों पासे हटना शुरू कर दे, क्योंकि बरसीम च समस्या बहुत आ रही है। किसी टाइम नूं चारियां दा राजा कहा जांदा सी, हुण उह गल नहीं रही हैगी। नहीं, इहदा मतलब बरसीम दा सब्सटीट्यूट लभणा पएगा? बरसीम दा सब्सटीट्यूट तां पंजाब च ऑलरेडी है। हांजी, बरसीम दा जिहड़ा बदल है उह राइका है। ओके जी, राइका साडा अप्रैल तक मई तक वधिया चला जांदा हैगा जी। पर एक होर भी है जिहड़ा बरसीम दा बदल जिहड़ा है, जे असीं बरसीम बीजदे आं, असीं जिहड़ी मक्की की बिजाई है, जे असीं 15 फरवरी नूं मक्की की बिजाई कर लीए तो तकरीबन 2 महीने बाद, जिवें हुण समां चल रहा, साडे कोल वधिया क्वालिटी की मक्की होगी जी। पहला तो है राइका, राइका बीजा जाता है उस टाइम पर जो बरसीम बीजी जाती है जी। राइका दे विच उल्ली की समस्या नहीं हैगी, बहुत वधिया चारा है, प्रोटीन बरसीम के बराबर ही है इहदे विच। तो दूजे नंबर पर जिहड़ा मक्की की है, सही समय पर जिहड़ी काश्त करनी, मतलब कि जिहड़ी बहार रुत की मक्की कह दिंदे असीं, है ना, 15 फरवरी के नेड़े बीजी जाती है जी, वह भी सानू बीजन की आदत पाउणी पैणी है, क्योंकि जे चारा सही नहीं हैगा तां इह समस्या रहनी ओ रहनी है। हुण असीं इलाज की गल कर लईए। देखो, इलाज इहदे विच चार चीज़ां ने जी, बड़ियां सिंपल सिंपल चार चीज़ां ने जी, क्योंकि ये उल्ली रोग वाले जहरीले तत् ने। इहदे विच टॉक्सिन बाइंडर देना बहुत जरूरी है। टॉक्सिन बाइंडर जिहड़ा हैगा 30-40 ग्राम रोज़ का देना जरूरी है। लिक्विड होंदा जी? टॉक्सिन बाइंडर पाउडर होंदा है, सारे पाउडर ने जी, चार तरह के पाउडर ने जी जी। ये तुहानू दवाइया की दुकान तो नहीं मिलने, फीड फैक्टरी तो मिलने हैं जी। अच्छा जी। नंबर एक जी मिठा सोडा जी, जां बफर जी, वह असी 50-100 ग्राम तक देना, जे पशु वड्डा है तो उन्होंने 100 ग्राम दे सकते हैं जी, जे झोटी बैड़ी उन्होंने 50 ग्राम दे सकते हैं, जे कट्टी है कोई उन्होंने 10-20 ग्राम दे सकते हैं जी। नंबर एक बफर हो गया जी जी। नंबर दो टॉक्सिन बाइंडर, टॉक्सिन बाइंडर की लगभग बफर तो असी अद्धा देना होंगे। अच्छा। मान लो जो असं 100 ग्राम बफर दे रहे हैं, कहने 50 ग्राम टॉक्सिन बाइंडर दे दो जी जी। और तीजे पहले नंबर पर बफर हो गया, दूजे नंबर पर टॉक्सिन बाइंडर हो गया, तीजे नंबर पर साढ़े को काला नमक है। काला नमक असी बहुत देर तो असी ना हुण इस तो टुटते जा रहे हैं, क्योंकि गर्मियों सोडियम तो पोटाशियम की बहुत ज़्यादा घाट होंगी है जी, इस करके काला नमक सोडियम तो पोटाशियम का बहुत वधिया सोर्स है। काला नमक देना जरूरी है 25-30 ग्राम, मतलब कि बफर तो अद्धा टॉक्सिन बाइंडर, और टॉक्सिन बाइंडर तो घट मात्रा च असी देना होंगे काला नमक। और चौथे नंबर पर है जी लाइव यीस्ट जी, 10 ग्राम रोज़ का, जे वड्डा पशु है 10 ग्राम, जे कट्टी बच्छी है तो उन्होंने 2-3 ग्राम, जो झोटी बैड़ी है उन्होंने 5 ग्राम। ये चारे चीज़ा मिला के दो, ये बहुत ही वधिया असर आऊगा, मतलब कि बफर, टॉक्सिन बाइंडर, काला नमक ते लाइव यीस्ट जी। ये एंटीबायोटिक का बहुता रोल नहीं है। अच्छा, दवाइया पिछे नहीं ज़्यादा दौड़? दवाइया मतलब कि इस सू वधिया रिजल्ट अक्सर बहुत दवाइया नहीं दिंदियां है, जिवें लोग मूँह राही एंटीबायोटिक्स देंगे है जी, एंटीबायोटिक टीके लाते, इन्ने वधिया रिजल्ट नहीं आते, क्योंकि समस्या पेट च, पेट के जहरीलापन हो रहा, उन्होंने तुम पेट के जोड़े है जहरीले तत् सोख के ही ठीक कर सकते हो। सो इस करके करना जरूरी है, रिजल्ट बहुत ज़्यादा वधिया ने। बाकी जोड़ा है जी नेड़े की जी पशु संस्था है, हस्पताल है, डिस्पेंसरी, वो तालमेल रखो जी। पर जो खुराकी इलाज है वो सही करना बहुत जरूरी है जी। बाकी चारों बारे जी ये भी चारों का सही बदल लभना जरूरी है।
डॉक्टर साहब तुसी काले लूण की गल आखी तो आम तौर पर बाजारों में ज कुछ राजस्थान संबंधित होर स्टेटा इतने बेचते फिरते होंगे वो मेरे ख्याल ठीक रहेगा। बिल्कुल जी काला नमक आम मिल जाता है। काला नमक के जो डले होंगे ढेले होंगे उन्होंने खुरली च रख दौ जी पशु अपनी लोड़ मुताबक उन्होंने चढ़ता रहेगा जी। जी काला नमक गर्मियों के बहुत वड्डी जी सा समस्या का हल है क्योंकि गर्मियों सोडियम पोटाशियम की कमी होंगी जिम्मे असी ओ आर एस दें बच्चों ये मतलब कि काला नमक पशुओं का ओ आर एस इन्हें डीहाइड्रेशन तो जो है पशु जी गर्मी की जी खुशकी हो रही है शरीर की वो तो बचा के रखना बाकी ठंडा ताज़ा पानी ठंडी छां ठंडी हवा जी जी सो ये जरूरी है सारा जी। जी दोस्तों ये इस मौसम के पशुओं नाल की समस्यावान हो सकती ने कि असल हल हो सकता है तुम साढ़े नाल जुड़े कमेंट बॉक्स के अपना सवाल लिख सकते हो तुहाडे सवाल के जवाब देने डॉक्टर जीवन कुमार गुप्ता जी ते डॉक्टर गुप्ता जी तुम समा कढ़िया साढ़े नाल जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया ठीक है धन्यवाद।